हाय लर्नर्स, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में जो है हम जानेंगे कि फ्यूचर सिंपल टेंस जो है उसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसमें सिंपल टेंस फ्यूचर लिए हैं, इसी को इनडेफिनिट भी कहा जाता है। इसके साथ हमने सिंपल मॉडल भी ले लिया है, ठीक है। सिंपल मॉडल में आपको आते हैं विल, वुड, आपको शैल, कैन, कुड, वुड, तो ये क्या होते हैं, सारे सिंपल मॉडल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अफर्मेटिव या पॉजिटिव लेंगे, जैसे सबके लेते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, ये लेंगे। देखिए, अब इसमें करना क्या होता है कि जब आप एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में आपको इस तरह का एक्शन मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इसमें आपको मिलेंगे विल, शैल, ठीक है, वुड, उसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, हालांकि ऑडिट हो गया, अब इंग्लिश में कम यूज़ होते हैं ऑट टू, ठीक है। इस टाइप से आपको सेंटेंस आपको मिलेंगे, और इसके तुरंत बाद क्या मिलेंगे आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या मिली, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ आते हैं। इसके बाद आपको बी भी आ सकते हैं, इसके बाद हैव भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना होगा यहाँ पर मैं, क्योंकि सिंपल वाले में लिए हैं, तो इसके तुरंत बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्टिव वॉइस में, ही शुड लर्न द लेसन, ही शुड लर्न द लेसन। देखिए, शुड के बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको पैसिव बनाने का तरीका यह है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये जितने भी लिखे हुए हैं वो ऐसे ही रहेंगे, केवल आपको एक वर्ड अलग से ऐड करना है बी, और ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाकी रोल सेम रहता है जो पैसिव वॉइस की रहती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ही शुड लर्न द लेसन है, तो यहाँ पे द लेसन को यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, तो द लेसन शुड बी लर्न्ड बाय ही को हिम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो द लेसन शुड बी लर्न्ड बाय हिम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा सेंटेंस, ही मस्ट लर्न अ लेसन, तो ही मस्ट लर्न अ लेसन जब भी लिखेंगे तो यहाँ हो जाएंगे द लेसन मस्ट बी लर्न्ड बाय हिम, ठीक है। और भी बना सकते हैं, ही वुड लर्न अ लेसन, तो यहाँ पे बन जाएंगे द लेसन वुड बी लर्न्ड बाय हिम। फिर बना सकते हैं, ही कैन लर्न अ लेसन, तो क्या बन जाएंगे, द लेसन कैन बी लर्न्ड बाय हिम। इसी तरीके से ही कुड लर्न अ लेसन, तो क्या बन जाएंगे, द लेसन कुड बी लर्न्ड बाय हिम। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ और देखते हैं, अगला करते हैं इसमें।